ममता का घर। निहारिका और सरिता एक रेल यात्रा के दौरान मिलते हैं। तुम अपनी नानी के यहाँ छुट्टियों में जा रही हो क्या? हाँ, मैं छुट्टियों में अपनी नानी के घर जा रही हूँ। वैसे तो मैं मानावाला गांव में रहती हूँ। मानावाला में तुम्हारा घर कैसा है और पूरे दिन की दिनचर्या में तुम क्या करती हो? मेरा घर गांव के बीचों बीच है और मेरे घर की दीवारें मिट्टी की बनी हैं और दीवारों की छत फूस की बनी है। अरे, मेरा भी घर ऐसा ही बना है। हमारे घर के चारों ओर दालान भी है और उसके पीछे बाड़े में गौशाला भी है। मेरे भी घर के चारों ओर दालान है लेकिन गौशाला नहीं है। दालान के पास में एक बड़ा आम का पेड़ है, उस पर झूला डालकर मैं और मेरा भाई झूलते हैं। अरे वाह, फिर तो तुम्हें बड़ा मजा आता होगा। हाँ, बड़ा मजा आता है। सुबह मैं और मेरा भाई दातून कर व नहा धोकर तैयार होकर स्कूल जाते हैं। मैं भी सुबह सुबह भाई के साथ तैयार होकर स्कूल जाती हूँ। मेरी माँ स्वास्थ्य केंद्र काम करने जाती हैं, तो वह सुबह ही दोपहर का खाना बना जाती हैं। मेरी माँ तो घर में ही रहती हैं और घर का अधिकांश कार्य माँ ही करती हैं। माँ को यदि स्वास्थ्य केंद्र में अधिक काम होता है तो उस दिन पिताजी ही खाना बनाते हैं। मेरी माँ दोपहर में दाल, हरी सब्जी और रोटी बनाती है जो मैं स्कूल से आकर खाती हूँ। मेरे पिताजी दोपहर में खेत जोतने जाते हैं। बैलों की मदद से पिताजी खेत जोतते हैं। शाम को अंधेरा होने पर मैं दिया जलाकर भाई के साथ पढ़ती हूँ। मेरे पिताजी शाम को आकर बैलों को खूंटे से बांधते हैं और माँ गाय का दूध दुहने के बाद रात का खाना तैयार करती हैं। मैं तो रात को खाना खाने के बाद दादी से कहानी सुनते सुनते बिस्तर पर सो जाती हूँ।